साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अचानक नया ट्विस्ट आ गया है। अचानक एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उम्मीद की किरण दिख रही है, इंसाफ की उम्मीद साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि खुद महाराष्ट्र के तब के मंत्री आदित्य ठाकरे सुशांत के मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हैं अपनी गिरफ्तारी या फिर पूछताछ से पहले उनका यानी कि खुद आदित्य ठाकरे का पक्ष भी कम से कम सुन लेने की मांग कर रहे हैं। अब इसके बाद हर तरफ यही बात है, यही चर्चा है, यही उम्मीद है कि आखिर आगे क्या होगा। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या कोर्ट आदित्य ठाकरे को सुनेगी या नहीं सुनेगी, ये कोर्ट का फैसला क्या होगा, क्या वाकई में आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी होगी, क्या उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देते हैं, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि एक्चुअली आगे होने वाला क्या है, आगे होगा क्या। आदित्य ठाकरे ने अपने वकील के जरिए कोर्ट का रुख किया है और कहा है कि सुशांत मामले में उनकी गिरफ्तारी ना हो। वो इसलिए क्योंकि एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें साफ साफ कहा है कि सुशांत और दिशा सालियान के मामले में आदित्य ठाकरे जिम्मेदार हैं, और उसी याचिका में ये भी कहा गया है कि ठाकरे से पूछताछ होनी चाहिए हिरासत में लेकर और गिरफ्तारी तक होनी चाहिए। हालांकि अभी तक ये मामला कोर्ट के सामने लिस्ट है नहीं। अब इसमें आगे कई चरण होंगे, स्टेप बाय स्टेप, वो समझिए। सबसे पहले कोर्ट के सामने याचिका जाएगी और उसके बाद सबसे पहले स्टेप में ये तय होगा कि आखिर जनहित याचिका सुनने योग्य है भी या नहीं। जी हाँ, ये पहले तय किया जाएगा, और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ इस पर सुनवाई होनी चाहिए तो फिर मामला आगे बढ़ेगा और फिर इसे सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा। सेकेंड स्टेप में कोर्ट इसकी तारीख तय करेगी। जी हाँ, दूसरा कदम ये होगा कि कोर्ट तय करेगी किस दिन पर इसकी सुनवाई होगी और कौन कौन इस पूरे मामले में पक्षकार होंगे। तीसरे स्टेप में आदित्य ठाकरे की एप्लीकेशन आएगी। जी हाँ, आदित्य ठाकरे ने जो एप्लीकेशन दी है वो तीसरे फेज में आएगी, यानी कि थर्ड फेज में ये तय होगा कि ठाकरे की एप्लीकेशन को सुना भी जाए या नहीं सुना जाए, और अगर सुना जाए तो केस के साथ ही सुना जाए या फिर अलग से सुना जाए, ये तीसरे कदम यानी कि तीसरे स्टेप में तय किया जाएगा। चौथा कदम होगी मामले की सुनवाई। आदित्य ठाकरे की याचिका पर फैसला जो भी कोर्ट देना चाहेगी वो देगी, यानी कि अगर वो जनहित याचिका आदित्य ठाकरे के खिलाफ अगर लगती है, ठाकरे को गिरफ्तार करने की मांग जिसमें की गई है, उसका दमखम और उसकी दलीलें कोर्ट देखेगी, और कोर्ट ये भी देखेगी कि इसमें कितने सबूत हैं, कितने गवाह हैं, और ये भी देखा जाएगा कि क्या सीबीआई इस मामले में ठीक ढंग से काम कर भी रही है नहीं कर रही है, क्योंकि फिलहाल तो सीबीआई का काम ठीक ढंग का कहा नहीं जा सकता है। कोर्ट ही ये तय करेगी कि सीबीआई को आदेश देने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि अगर सीबीआई खुद से ही अच्छी जांच कर रही होती, जल्द से जल्द जांच को पूरा कर रही होती, तो शायद आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, सीबीआई के हालात देखकर, सीबीआई की जांच की रफ्तार और अंदाज देखकर, सुस्त रफ्तार देखकर, ये साफ साफ है कि कोर्ट सीबीआई को तो जरूर आदेश दे सकता है कि मामले की जांच क्या चल रही है, क्यों चल रही है, किस तरह से चल रही है, कितनी तेजी से चल रही है, और इसे लेकर यानी कि सुशांत की केस की जांच को लेकर आदेश यहां पर हो सकता है, और वहीं पर आदित्य ठाकरे को लेकर भी यानी कि उस याचिका को लेकर भी फैसला हो सकता है। अब तो क्या फिर आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी का आदेश भी जारी होगा? तो ये पांचवां स्टेप होगा। जी हाँ, पांचवें कदम पर ये तय होगा कि आदित्य ठाकरे गिरफ्तार होंगे या फिर हिरासत में लेकर पूछताछ होगी या फिर कुछ और होगा, या आदित्य ठाकरे को यहाँ पर पूरी तरह से एक तरह से पाक साफ करार दे दिया जाएगा, ये यहाँ पर तय किया जाएगा। आदित्य ठाकरे के खिलाफ फिलहाल सीबीआई के पास कुछ है नहीं, पुलिस के पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन हाँ जनहित याचिका लगाई गई है और ठाकरे का नाम इसमें लिया गया है, तो ये समझा जा रहा है, माना जा रहा है कि कुछ न कुछ तो जनहित याचिका लगाने वालों के पास जरूर होगा और उसी को लेकर ये याचिका लगाई गई होगी, और कुछ न कुछ ऐसा होगा जो कि आदित्य ठाकरे को कटघरे में खड़ा करता है, यानी कि ठाकरे के खिलाफ कोई सबूत, कोई गवाह, कोई क्लू यहाँ पर हो सकता है, और अगर ऐसा है तो फिर कोर्ट का आदेश आदित्य ठाकरे के खिलाफ जा सकता है। ठाकरे को हिरासत में लेकर पूछताछ हो सकती है, गिरफ्तारी तक हो सकती है, क्योंकि ये कोर्ट के विवेक पर ही निर्भर करेगा, और इस कंडीशन में आदित्य ठाकरे की एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। हालांकि हाँ, कोर्ट उन्हें सुनेगी जरूर, ठाकरे का पक्ष भी सुना जाएगा, जाना जाएगा, उनकी तरफ से भी सबूत और गवाह देखे जाएंगे, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ कुछ मिल जाता है तो फिर कुछ वहाँ पर बचेगा नहीं।
अब यहाँ पर संभावना यह है कि आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कुछ न कुछ तो जनहित याचिका देने वालों के पास होगा और शायद इसीलिए पहली बार खुद आदित्य ठाकरे भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में जुट गए हैं और जनहित याचिका लगाने वालों ने भी 3 साल का वक्त लिया। जी हाँ, 3.5 साल बाद जनहित याचिका लगाई गई है, तो इसका साफ मतलब है कि कुछ न कुछ उनके पास ऐसा होगा जिससे कि केस में ट्विस्ट आ सकता है। हालांकि हाँ, अगर कोई सबूत या फिर कोई गवाह यहाँ पर नहीं मिलता है तो फिर आदित्य ठाकरे को राहत भी मिल सकती है, उनका फिर बाल भी बांका यहाँ पर होगा नहीं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया, समझाया आपको इन कंडीशंस पर क्या कहना है, क्या वाकई में अब सख्ती करने का वक्त आ गया और क्या वाकई में जनहित याचिका लगाने वालों के पास ऐसा कुछ होगा जिससे पूरा का पूरा केस क्रैक हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं, आप क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया छोड़ी थी। कई लोगों पर आरोप लगे, रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक, सिद्धार्थ पठानी, दीपेश सावंत, न जाने कई सारे नाम आए, कुछ लोगों को जेल भी डाला गया और कुछ लोग तो अब भी जेल के अंदर हैं। लेकिन हाँ, इसी केस में, जी हाँ, सुशांत के केस में सबसे बड़ा आरोप लगा तब के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और खुद भी मंत्री रहे आदित्य ठाकरे पर। बीजेपी नेता नारायण राणे, उनके बेटों ने कई बार आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाए और साफ साफ कह दिया कि आदित्य ठाकरे ही इस पूरे मामले में गुनहगार हैं। और न सिर्फ सुशांत बल्कि सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान के मामले में भी सालियान की संदिग्ध मौत का जिम्मेदार भी आदित्य ठाकरे को ठहराया गया, ऐसा आरोप लगा गया। हालांकि तब से अब तक आदित्य पर जांच की आंच कभी आई नहीं, लेकिन अचानक आदित्य ठाकरे खुद ही हाथ जोड़ने लगे हैं, खुद ही कोर्ट पहुंच गए हैं, गिड़गिड़ाने लगे हैं कि उनको भी सुन लो, उनकी बात भी सुन लो, कम से कम सुन तो लो। पूरा मामला आप समझिए, आदित्य ठाकरे ने अपने वकील राहुल अरोठे के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट से मांग की है कि सुशांत केस में उनकी यानी कि आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी या फिर उनसे पूछताछ करने से पहले एक बार उनकी बात भी सुन ली जाए, एक बार उनकी बात पर भी गौर कर लिया जाए। आदित्य ठाकरे ने अपने वकील के जरिए साफ साफ कहा है कि सुशांत दिशा मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लिहाजा एक नई जांच, नई पूछताछ या फिर नए तरह के एक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। इस मामले की जांच को सीबीआई को ही करने दिया जाए, इसमें नया आदेश ना दिया जाए, क्योंकि इससे मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। यानी कि आदित्य ठाकरे एक तरह से डरे हुए हैं, वो सुशांत मामले में, दिशा मामले में अपनी पूछताछ नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चुपचाप जैसे सीबीआई जांच कर रही है वैसे ही करते रहे। अब इस सब कुछ हुआ क्यों, इसकी वजह क्या थी, अचानक क्या हो गया, तो वो भी समझिए। असल में सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राशिद खान पठान के माध्यम से दायर जनहित याचिका में दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के संबंध में आदित्य ठाकरे की तत्काल गिरफ्तारी और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की गई थी और कहा गया था कि आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी से ये केस सॉल्व हो सकता है और इसी मामले में डर कर घबरा कर आदित्य ठाकरे ने साफ कह दिया है कि उनकी बात भी सुनी जाए, कम से कम एक्शन से पहले एक बार उन्हें सुना जाए। हालांकि जनहित याचिका अभी सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के सामने पेश नहीं की गई है, जबकि ठाकरे के वकील राहुल अरोठे ने कहा है कि हमने एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले हमारा भी पक्ष सुना जाना चाहिए। हमने कहा है कि जनहित याचिका सुनवाई योग्य है ही नहीं, क्योंकि सीबीआई पहले से ही सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी जनहित याचिका पर कोई आदेश कैसे पारित किया जा सकता है जब सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसी पहले से ही जांच कर रही है, जबकि जनहित याचिका में सीबीआई को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे से पूछताछ करने और एक व्यापक जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है। अब मामला पूरी तरह से हाई कोर्ट के सामने आ गया है, कोर्ट पर निर्भर हो गया है, कोर्ट को ही तय करना है कि आगे क्या होगा, आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी होगी, पूछताछ होगी या नहीं होगी, ये सब कुछ अब कोर्ट को तय करना है। हालांकि सीबीआई को करीब 3 साल इस मामले की जांच को हो चुके हैं, कुछ भी कॉन्क्रीट पुख्ता अब तक मिला नहीं है, तो ऐसे में अगर कुछ पुख्ता जानकारी मिलती है, कुछ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो पूछताछ की भी जा सकती है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्या वाकई में आदित्य ठाकरे डर गए या फिर उनको फंसाने की कोशिश हो रही है, आप क्या जानते हैं, आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।